नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी के तहत हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है तृतीय हिंदी भाषा शिक्षक, और इसी हिंदी भाषा शिक्षक इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है भाषा शिक्षक के व्यावसायिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व। साथियों, भाषा शिक्षक चाहे किसी भी भाषा का शिक्षक हो, उसके अपने स्वयं की व्यवसाय से जुड़े हुए ऐसे कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं जो जिनका उन्हें निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे उत्तरदायित्वों के निर्वहन के बिना वो अपने व्यवसाय में एक प्रभारी शिक्षक के रूप में कभी सफल नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या व्यवसायिक उत्तरदायित्व किन बातों को संकेतित करते हैं, तो उन बातों को हमें समझना आवश्यक है। तो साथियों, इस बातों को समझने के लिए हमें नैतिक विकास के उत्तरदायित्वों के और क्यों जाने की आवश्यकता पड़ी, तो सबसे पहले हम भारत के अतीत में चलते हैं। भारत के अतीत को हम दृष्टिगत करते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल में, हमारे प्राचीन काल में या आर्यों की सभ्यता के समय की बात करें तो उस समय मनुष्य समाज जो उस वक्त था, उनकी जो अवधारणाएं थी, उनकी जो सोचने विचारने के जो तरीके थे या उनके जो व्यवसायिक नीतियाँ थी, उस वक्त कैसी थी, एक सीमित थी, सीमित क्षेत्र में थी। उस वक्त का ज्ञान के जो बिंदु थे वो भी एक सीमित दिशा में चलते थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उस वक्त मनुष्य एक सीमित मतलब परिवेश में रहकर अपने संपूर्ण क्रियाकलापों की ओर अग्रसर होता था, लेकिन वर्तमान में वो सारी परिस्थितियाँ बदलती चली गई। वो इसलिए बदलती चली गई, धीरे धीरे सामाजिक परिवेश बदलते चले गए और कालांतर में हमें प्रभाव और परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल हम जब प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता की ओर हम जब दृष्टिगत करें तो हम पाते हैं कि उस वक्त जो शिक्षक का जो व्यवसाय था, वो बहुत ही गौरवपूर्ण एवं हमारे जो वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में या ग्रंथों में शिक्षक का जो पद है वो गुरु का पद है। और गुरु का जो पद था उस वक्त ईश्वर के तुल्य समझा जाता था। ईश्वर के बाद जो द्वितीय पद था तो वो केवल और केवल गुरु का था और गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना जाता था। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं और अब उस में इस प्रकार की बातें साबित नहीं है। तो अब आप सब स्वयं समझ सकते हैं कि वर्तमान के परिवेश में ये शिक्षकों की उस पद की गरिमा में या फिर उनके सम्मान में या उनके इस व्यवसाय में अवनति का कारण क्या है। ऐसा उनके मान या उनकी व्यवसाय से जुड़ी हुई बातों का एक दायरा सीमित क्यों हो गया है। हम इन बातों पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां बदलती गई, उस प्रकार से उस ज्ञान के मायने भी बदलते चले गए। तो इस प्रकार हमने पाया कि जैसे जैसे मतलब आधुनिकतावाद की ओर हमारा भारतवर्ष बढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं पीढ़ी का अंतराल आता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अंतराल वहाँ पर उस परिवेश पर मतलब अपना आधिपत्य जमाता है। तो साथियों, बिल्कुल मैं कहूँगा कि हमारे शिक्षकों की वर्तमान जो व्यवसाय है शिक्षक का, तो उस शिक्षक की व्यवसाय के लिए कुछ जो बिंदु हैं, कुछ बातें हैं व्यवसाय उससे जुड़ी हुई और उनकी एक आचार नीति बनाई गई है। तो उन आचार नीति के तहत उनमें कौन कौन से बिंदुओं का समावेश होना आवश्यक है जिससे कि वह अपने व्यवसाय को एक सफल एवं और प्रभावी रूप में अपनाने में तथा उसकी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सफल शिक्षक बनकर एक समाज के निर्माता के रूप में, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में
समाज को एक नई दिशा दे सके, तो उसके लिए उस आचार विधि में कौन कौन से बिंदुओं का होना आवश्यक है। तो साथियों आइए हम इन बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। तो उसमें सबसे सर्वप्रथम जो बिंदु हमारे समक्ष है वो बिंदु है व्यावसायिक प्रशिक्षण, अब व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में साथियों यहां पर इस बात को प्रदर्शित करने का या प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया गया है कि शिक्षक को केवल अपने विषय का संपूर्ण ज्ञाता होना ही एक मतलब बहुत ही संपूर्ण बात तो है कि विषय का ज्ञाता होना बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये बात एक सीमित क्षेत्र के लिए तो है, लेकिन हर जगह वो बात को लागू करना एक सही नहीं होगा। क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण अपने क्योंकि शिक्षक का जो पैसा है व्यवसाय है वो भी अन्य व्यवसायों की तरह महत्वपूर्ण है, तो उसमें समय के साथ प्रवेश बदलता रहा है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसके अनुसार उसमें कौन कौन से बातों का समावेश आवश्यक है। तो ये बात है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षक का भी अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण में ज्ञान का महत्व तो सर्वोपरि है ही, लेकिन उसे शिक्षण के तरीके को प्रभावी बनाना आना चाहिए, साथ में शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि वर्तमान में शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, नई विधियां कौन सी हैं, प्राचीन विधियां कौन सी हैं, पारंपरिक या विधियां कौन सी हैं, इस तरह से या व्याकरण संबंध विधियां कौन सी हैं, रचना शिक्षण की विधियां कौन सी हैं, गद्य पद्य में विधियां कौन सी हैं। तो इस तरह से मतलब मान लीजिए कि एक शिक्षक को विधियों के साथ साथ उन प्रविधियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में जो बाल शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु जो शिक्षक न होकर शिक्षक केवल एक दिशा निर्देश का कार्य करता है, एक सहायक का कार्य करता है, लेकिन केंद्र बिंदु जो होगा वो बालक ही होगा, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा नीति कही गई है। तो उस शिक्षक को व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा इन सभी बातों में उसे दक्ष करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो अपने व्यवसाय में सफल हो सके और शिक्षण विधियों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों की जो शिक्षण कौशल से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर कर सके और एक प्रभावी शिक्षण के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके, इसलिए उसी व्यवसाय प्रशिक्षण वहां पर दिया जाता है। तो अब आती है बाकी जो बारी आ रही है हमारे महत्वपूर्ण बिंदु द्वितीय के, और महत्वपूर्ण बिंदु जो द्वितीय है वो इस प्रकार से है यहाँ पर कि विषय का पूर्ण ज्ञाता। बिल्कुल साथियों ये बात यहाँ पर आ रही है और सत्य बात भी है, प्रमाणित भी है, क्योंकि यदि शिक्षक नई विधियों प्रविधियों नए नए शिक्षा में जो आयाम नवाचार जो आ रहे हैं उन सभी से वो सीख कर आया है, लेकिन उसे अपने विषय जिस विषय का वो शिक्षक है यदि उस विषय में उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो उसके लिए वो सारी बातें एक अधूरी रह जाती हैं और वो अपने शिक्षण को कभी भी प्रभावी नहीं बना सकता। तो ऐसी परिस्थिति में वो एक सफल शिक्षक नहीं कहला पाएगा और विद्यार्थियों के समक्ष वो एक सम्मान का पात्र भी नहीं हो सकता, इसलिए विषय का पूर्ण ज्ञाता होना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण तौर पर मान लीजिए हमारा विषय हिंदी है, तो हिंदी का जो शिक्षक है उसे गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण साहित्य शास्त्र काव्य शास्त्र और काव्यशास्त्र एवं व्याकरण
व्याकरण, व्याकरण से संबंध अपने विषय पर पूर्ण उसको ज्ञान होना आवश्यक है। इन सभी बिंदुओं पर उस शिक्षक का जो ज्ञान है वो परिपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञाता होना चाहिए उन सभी का, तभी वो अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को एक त्वरित रूप में उनका समाधान कर पाएगा। अन्यथा वो शिक्षक भले वो आधुनिक प्रशिक्षित होकर आने के बावजूद भी वो सफल शिक्षक के उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाए। तो साथियों, आज हमने इन दो बिंदुओं पर चर्चा करी है और दोनों ही बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक के व्यवसाय के आचार नीति के अनुसार। तो आज के लिए साथियों, मैं सोचता हूँ कि इतना ही काफी है और इसी बिंदु को लेकर हम अगले वीडियो व्याख्यान में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।